ये सच बात है कि सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर हिचकोले खा रही है। फिल्म ने जिस तरह के कलेक्शन अब तक जुटाए हैं, वो अपेक्षा से कम है। सलमान की फिल्मों को क्रिटिक्स ने पहले भी कई बार खराब रेटिंग दी है, लेकिन आम जनता को इन रिव्यू से कोई मतलब नहीं रहता और उनकी फिल्में हिट रही हैं। ट्यूबलाइट समीक्षकों के साथ साथ सलमान के प्रशंसकों को भी पसंद नहीं आई है और नतीजा दिखाई दे रहा है। अब 150 करोड़ का आंकड़ा भी मुश्किल लग रहा है। सलमान खान फिल्म के सह निर्माता हैं और सारे निर्माताओं ने इस फिल्म के जरिए खूब पैसा कमा लिया है। रिलीज के पहले ही सलमान ने सेंट्रल इंडिया, जहां सलमान ने खुद फिल्म रिलीज की, को छोड़े तो पूरे भारत में 132 करोड़ रुपए में फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स बेच दिए गए। अन्य राइट्स बेचकर भी खूब पैसा कमाया। सवाल ये है कि क्या फिल्म के वितरक माल कमा पाएंगे? अब ये मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से फिल्म ने प्रदर्शन किया है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिल्म के लिए आगे का रास्ता मुश्किल है। फिल्म को भारत से 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा, तभी इस फिल्म से जुड़े वितरक सेफ रहेंगे। 250 करोड़ का आंकड़ा पार करना अत्यंत ही मुश्किल है। लग रहा है कि वितरकों को तगड़ा घाटा होगा।